इंडियन वड़ा पाव वाली बाजी के बाद हमने देखा कि हमारे अपने कराची में एक वड़ा पाव लगाने वाली मशहूर है। कई फूड ब्लॉगर्स ने इनके वड़ा पाव को तो रेट कर लिया, लेकिन हम आज आपके साथ इनकी लाइफ जर्नी शेयर करने आए हैं कि आखिर वो राज क्या है कि जिसकी वजह से हर कोई उनके वड़ा पाव खा के कहता है This is the thing which you enjoy the most. This is fantastic. इनकी जर्नी भी इन मसालों की तरह चटपटी है, तो आए इनके और इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा और जानते हैं विद मेटा स्टोरीज। हाय, मेरा नाम पारस है और मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पर अपनी पुप्पो के साथ हेल्प करवाने आती हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वड़ा पाव एंड पाव भाजी बहुत पसंद है। मैं जब भी यहाँ पर आके खाती हूँ तो सिर्फ वड़ा पाव पाव भाजी खाती हूँ। देखा होगा इंडिया में भी कि ये सब कुछ खाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि कराची में भी खाते हैं। मेरा नाम कविता है। मैंने छोटा सा कार्ड बनाया है, यहाँ पे लगाया है। मुझे ये कार्ड लगाते हुए तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए और माशाल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम लोग यहाँ पे इंडियन फूड सर्व कर रहे हैं हमारे लोगों को। हमारे पाकिस्तान के सारे लोगों से यही है, जो जो इंडियन जायका चखना चाहते हैं वो मेरे कार्ड पे आए, पाव भाजी वड़ा पाव ट्राई करें, उनको बिल्कुल इंडिया का टेस्ट आएगा। तो बस एक दिन बैठे बैठे ये ख्याल आया कि मैं रोज़ खाने जाती तो लोग रोज़ आएंगे। जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैंने वो यहाँ लगा दिए, खुद भी खाते हम, लोगों को भी खिलाते। अफसोस है, कराची में ठेला लगाना अब भी एक छोटा काम समझा जाता है और शायद आपको भी ये गलतफहमी होगी कि कविता ने किसी मजबूरी के वजह से ये काम शुरू किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्कूलिंग अपनी सेंट पैट से की है और मेरी ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से हुई हुई है। बाकी बस यही है कि एक शौक है जो मुझे ये यहाँ ले आया है, एक नया एडवेंचर मैंने अपने साथ ट्राई किया है कि लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वैसे तो लोग एतराज़ करते हैं कि ये क्या इतना लगा दिया है, रश हो रहा है, मगर सबसे बड़ी मेरी जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स है वो मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे हैं और माशाल्लाह से अच्छी तरह हम लोग अपना कार्ड चला रहे हैं। मैं कविता की मम्मी हूँ। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पे कि ये काम कर रही है और सारी बेटियों को करना चाहिए। इसने सारी चीज़ें कर रही है, पढ़ने के बाद बहुत कुछ किया है इसने। अभी ये यहाँ पर आई है, अच्छी से अच्छी जॉबें की इसने, दुबई गई, दुबई रह के आई। बाकी ये है कि अब ये कर रही है, भरपूर फैमिली सपोर्ट है इसको। कहते हैं खानदान का सपोर्ट हो तो इंसान को कोई डर नहीं होता। कराची में रहने वाली इन खातून को उनकी फैमिली का भरपूर सपोर्ट हासिल है। मेरे हिसाब से कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा काम सोच होती है लोगों की, कि सोच आपकी छोटी है तो आप हर काम को छोटा समझते हैं। ये छोटा सा कार्ड है बट मैं ही इसकी मालिक हूँ, मैं ही इसी वर्कर हूँ और मेरे ही हाथ में इसका सब कुछ है। आई एम द बॉस आप कह सकते हैं, किसी के इशारों पे आप नहीं चल रहे। जो आपके दिल में है कि मुझे ये काम करना है वो आप एक बार तो अपनी लाइफ में ट्राई करें। आप अगर कामयाब हो गए तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं होती। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद मैं इंडिया से हूँ। नहीं भाई, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पाकिस्तानी हूँ, मेरी भी रगों में पाकिस्तानी खून है। वैसे तो यहाँ हैदराबाद से भी लोग आ चुके हैं, क्वेटा से भी आ चुके हैं, तो कराची वाले क्यों पीछे रहे, हम तो सबसे आगे ही होते। कड़ी मेहनत, जज्बे और सपोर्ट के साथ इन्होंने तो अपना काम शुरू कर लिया। ये बेटी नहीं, बेटा है हमारा। अगर आप भी ऐसी किसी शख्सियत को जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी मेटा स्टोरीज पे।